हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल परफ्यूम कूलर इंडिया पर। बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए हुए, और मैंने सोचा कि भाई आज इस गर्मी में कुछ राहत देने वाले परफ्यूम या फिर इत्र की बात की जाए। तो एक बहुत बहुत मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है लेयरिंग ऑफ परफ्यूम्स। बहुत बार आपने सुना होगा परफ्यूम लेयरिंग। इसका सिंपली मतलब जो है वो ये है कि अलग अलग परफ्यूम्स, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कह लीजिए ब्रांड्स के लोग लेयर करते हैं। एक कह लीजिए कि अपना एक खुद का एक कस्टमाइज्ड टेलर मेड एक्सपीरियंस लेने के लिए। कुछ एलिमेंट्स इस परफ्यूम से, कुछ एलिमेंट्स उस परफ्यूम से, दोनों मिलके कुछ खास बन जाता है। तो लोग उस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इत्र की किसी भी दुकान में जाएंगे आप, किसी भी भारतीय दुकान में जाएंगे, किसी भी इंडियन शॉप में जाएंगे और बाहर भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बहुत पहले से कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स चूज़ कर लीजिए, यानी कि अलग अलग तेल चूज़ कर लीजिए। वो आपको एक इत्र बनाकर दे देते हैं जो आपका कस्टमाइज्ड इत्र होता है। तो बहुत सारे वीडियोज़ भी देखेंगे, आई मेड माई ओन इतर, आई मेड माई ओन अतर, इस तरीके के वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो उसी तरीके से गर्मी में दोस्तों बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एलिमेंट्स होते हैं लगाने के लिए, और स्पेशली यहाँ पर जहाँ पर भाई 40 डिग्री की धूप हो पीछे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ झेलनी पड़ती होगी इंसान को बाहर धूप में चलते हुए। ऐसे समय में दोस्तों कुछ इंडियन इत्र हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा राहत देते हैं, बहुत आराम देते हैं, मन को सुकून देते हैं, आनंद देते हैं। तो उनमें से मेरे जो कुछ फेवरेट्स हैं और आपके भी फेवरेट्स हैं एज़ यूजल, पहला है खस। रूह खस की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेन खस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लेन खस भी बहुत खूबसूरत होता है, जो भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। रूह खस कॉपर के डेग में बनाया जाता है, और ये एक मेरे के हिसाब से बहुत सबसे कॉमन इत्र कह सकते हैं जो हर बंदा जानता है। फिर है अपना माइसोर चंदन, ये ML रामनारायण का बहुत ही खूबसूरत माइसोर चंदन का तेल, जो एक एक्चुअल माइसोर चंदन के तेल की याद दिलाता है। और बहुत सारे इस तरीके के और भी तेल हैं, जैसे कि गुलाब का तेल है, वैसे ही आप चमेली का तेल ले सकते हैं जिसे बेला बोलते हैं, और बेला का इत्र बोलते हैं, या फिर अतर बेला बोलते हैं। रूह मोतिया के नाम से भी जाना जाता है, जो एक कन्नौजी टर्म है ऐसे इत्र को, ऐसे इत्र के लिए। और केवड़ा भी एक बहुत ज़बरदस्त इत्र है और काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसको अगर आप चंदन में मिला दें, थोड़ा सा चमेली मिला दें, थोड़ा सा गुलाब मिला दें, तो मज़ा आ जाता है। तो मुझे पता है कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि घर पर बैठकर कैसे हम इन्हें मिक्स करें, वो प्रोपोर्शन हमें बता दीजिए। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रोपोर्शन होता नहीं है, आप अपने हिसाब से परफ्यूम को लगाते हैं। सबसे बढ़िया इसीलिए लेयरिंग का जो टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, और ये बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग नहीं इसे समझ पाते हैं। आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों पर, इत्र लगाने का बेस्ट जो जगह है शरीर पे वो हाथ ही है या गर्दन के पीछे है ऑफकोर्स। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने एक हाथ पर, यूजुअली फोर आर्म पर क्या होता है दोस्तों कि खुशबू जो है एक तो आपके नाक से दूर रहती है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको कांस्टेंट खुशबू नहीं आती, आपका नाक, आपकी नाक जो है उससे यूज्ड टू नहीं होती है, तो खुशबू ज़्यादा देर तक आती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और जब भी आपको इत्र की खुशबू, जो खुद एक स्लो डायनामिक चेंज शिफ्ट में आती है, तो वो जब धीरे धीरे नाक को लगती है, कभी कभी लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हल्की सी खुशबू, थोड़े थोड़े, अब आप ऑफिस में बैठे हैं और कंटिन्यूसली चाय मिल रही, तो मज़ा नहीं आता ना। ऐसे सीधे आप ब्रेकफास्ट के शिफ्ट पे पहुँचे और 1 बजे डायरेक्टली कोई चाय, या 12 बजे खाने से पहले कोई लाके आपके चाय रख दे टेबल पे, तो उसका जो मज़ा होता है। फिर शाम में समोसे के साथ जो चाय आ जाए उसका जो मज़ा होता है। तो पीरियोडिक जो होता है वो एक्सपीरियंस आपको नेचुरल इत्र में ही ज़्यादा मिलता है। तो वो लगाने का मज़ा है, एक हाथ पे लगा लीजिए, अलग जगह पे लगा लीजिए, दूसरे हाथ में दूसरे जगह लगा लीजिए, अलग अलग ये खुशबुएं जो हैं, जैसे कि यहाँ मैंने खस लगा लिया, इस हाथ पे मैंने संदल लगा लिया, ज़्यादा अमाउंट में लगाए क्योंकि गर्मियों के दिन में आपको ज़्यादा अमाउंट्स चाहिए। फिर क्या होता है कि हवा में इनकी खुशबुएं मिक्स होती हैं, तो हवा में जो खुशबू मिक्स होती है तो उससे एक अलग परफ्यूम का एक्सपीरियंस निकलता है, इसे कहते हैं लेयरिंग ऑफ परफ्यूम। तो ये सारे जो भी मैंने इत्र बताया, इन सब को आप अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पर लगाएं, कॉन्टेमिनेट नहीं होने दें, यानी कि जो ग्लास डिपस्टिक है या फिर जो प्लास्टिक की स्टिक है वो सेम जगह पर टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो इत्र है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। अलग अलग मटेरियल्स कैसे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, आप उस पर कुछ ये नहीं कह श्योर नहीं रह सकते। तो अलग अलग तरीके से उसे लगाइए और उसका लुत्फ उठाइए, गर्मी का दिन है। इसी तरीके से दोस्तों लेयरिंग ऑफ परफ्यूम्स की जाती है, परफ्यूम के साथ भी कर सकते हो यार, एक्सपेरिमेंट करो। मैं नहीं करता क्योंकि मुझे खुद कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स पसंद है, अगर मुझे ये सब करना पड़े तो फिर परफ्यूम खरीदने का फायदा क्या है।
इत्र के साथ यही बेनिफिट है कि अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स आप खरीदते हैं अपने पसंद के, पैसा भी बचता है और अपना शौक भी पूरा हो जाता है, और हमेशा कुछ नया आप अपने ऊपर लगा कर घूमते हैं तो हमेशा एक नए परफ्यूम की खुशबू आएगी, हमेशा कुछ अलग चीज़ की खुशबू आएगी। और कोरोना में स्पेशली जो अभी स्थिति है, जो दोस्तों जो अभी सिचुएशन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो सस्टेन ही करेंगी, नेचर से आगे इंसान बढ़ नहीं सकता है। ये मैसेज मैं आपको बार बार देता आया हूँ, ये बात इस समय से ज़्यादा अच्छे से प्रूव नहीं हो सकता। एनीवे, तो मज़े में ये सब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, अपने पास भरपूर हैं। बाकी लोग जिन चीज़ों को तरसते हैं हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मस्त गर्मी है, एकदम इंडियन टाइप की, और पसीना टपक रहा है, लू चल रही है। एक बढ़िया गाना गा देता हूँ दोस्तों, ख़राब लगे तो माफ़ कीजिएगा। अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना, मुझे बेहद पसंद है, मेरे हिसाब से काफ़ी पॉपुलर भी है। तो चलिए, कोल होवे ते सिख लगदा है, दूर जावे ते दिल जलदा है, केड़ी अग नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा दे मेरा नू मना, आवा जावा दे मेरा नू मना। चलिए दोस्तों ये वीडियो खत्म करते हैं, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, गर्मी के दिन है, लॉकडाउन में परेशानी थोड़ी होती है, झेल लेंगे यार इंडियन हम लोग। फिर मिलते हैं एक जबरदस्त परफ्यूम रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।